Good morning, students. Let's start snapshot chapter number 1, The Summer of the Beautiful White Horse, which is written by William Saroyan. अब ये जो स्टोरी है दो कजिन और एक व्हाइट हॉर्स के आजू बाजू घूमती है. तो चलो हम देखते हैं एकदम ये ब्यूटीफुल स्टोरी. वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वाज 9 एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिशेंस एंड लाइफ वाज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम. My cousin Morad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke up me up tapping on the window of my room. अब ये जो स्टोरी है, मैंने पहले बोला कि दो कजिन, तो ये जो स्टोरी है वो एरम बोल रहे हैं. ये कौन बोल रहे हैं? एरम. और वो बोल रहे हैं कि मेरा कजिन ब्रदर जो है मॉरड, उसने एक बार ऐसा इंसिडेंस किया था जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. नॉर्मली जैसे दिन की शुरुआत होती है, रात, फिर दिन खत्म होता है, रात होती है, तो दो लाइन में हमें ऐसा बताया हुआ है, ऐसे शुरुआत हुई उसकी, फिर रात हुई और उसकी जो लाइफ है रूटीन चल रहा था, ठीक है. तो एक दिन सुबह, ठीक है, सुबह उसका जो कजिन था मॉरड, उसने आके क्या किया, मॉरड भी बोल सकते हो और मुराद, कोई कोई मुराद प्रोनाउंस करता है, कोई कोई मुराद जो है वो प्रोनाउंस करता है, बट हमें जो है स्पेलिंग पे ज्यादा ध्यान देना है, MORAD. तो मैं यहाँ पे मॉरड जो है वो प्रोनाउंस कर रही हूँ और एरम, दो कजिन ब्रदर, ठीक है. तो एक बार सुबह सुबह आके क्या करता है, एरम की जो विंडो होती है घर की उसके ऊपर टैपिंग, टक 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 ऐसी आवाज करता है, तो वो एकदम चौंक जाते कि सुबह सुबह 4 बजे तो कौन आया होगा. Aram, he said, I jump out of bed and look out of the window. और Aram ने क्या किया, एकदम सुबह सुबह 4 बजे कोई आएगा तो भड़क ही जाएगा ना कोई भी, तो एकदम खड़ा हो जाता है और फिर विंडो से वो बाहर देखता है. I could not believe what I saw. It wasn't morning yet, but it was summer and with daybreak not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I wasn't dreaming. No doubt, सुबह के 4 बजे थे तो, बट इतना अंधेरा भी नहीं था कि मैं ये समझ ना सकूं कि ये मैं सपना देख रहा हूं या हकीकत है, वो ऐसा बोल रहे हैं. मतलब विंडो के बाहर जब उसने देखा तो एकदम चौंक गया, शॉक हो गया. वो क्यों हुआ वो भी आगे आएगा, बट वो सोचता है कि वो इतना, मैंने फिर देखा तो इतना उजाला इनफ था जिसको मैं समझ सकूं कि मैं सपना देख रहा हूं कि हकीकत है, ठीक है. तो बाहर इतना थोड़ा बहुत उजाला था. माय कजिन मॉरड वाज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स. तो विंडो के बाहर वो क्या देखता है, मॉरड किसके ऊपर बैठा हुआ है, ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स के ऊपर. I stuck my head out of the window and rubbed my eyes. और एकदम से उसने उसका जो सिर है वो बाहर निकाला और उसकी आंखें वो ऐसे ऐसे घुमाने लगा, रब करने लगा कि भाई मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, सही देख रहा हूँ, व्हाइट हॉर्स के ऊपर ही बैठा है ना मॉरड, किसी और के ऊपर बैठा है. Yes, he said in Armenian, it's a horse, you are not dreaming. वो उसने क्या बोला, Yes, he said in Armenian, It's a horse. You are not dreaming. Make it quick if you want to ride. और फिर उसने देखा कि भाई मैं अभी भी ऐसा सोच रहा हूँ कि ये सपना है. तो मोरा ने बोला नहीं नहीं भाई, तू सही है, सपना नहीं है, हकीकत है, ये घोड़ा ही है, और अगर तेरे को राइड करनी है तो फटाफट तू बाहर आ जा. I knew my cousin more enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. But this was more than even I could believe. अब actually ये जो family है ना उनकी, वो थोड़ी poor family है. ये जो family की यहाँ पे बात है वो poor family से belong करते हैं ये लोग. वो आगे आएगा क्योंकि इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये लोग भूखे मर जाएंगे बट कभी चोरी नहीं करेंगे, ठीक है. और इस तरीके की उनकी एक ऐसा, उनके जो गांव हो या शहर हो, जो भी जहां पे वो रह रहे हैं, जितने भी एरिया में उनकी सिटी है वहां पे उनका ऐसा नाम है कि ये लोग जो है भले गरीब है बट ईमानदार है. तो एक तरीके से वो ऐसा सोचता है कि यार व्हाइट हॉर्स, जहां पे हम 2 टाइम खा ले वही बहुत है, तो यहाँ पे ये घोड़ा लेके आया है मॉरड. नो डाउट मॉरड थोड़ा एक्साइटेड पर्सन है और कहते हैं ना कि वो ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहता जैसे हम जीते हैं,
वो कुछ और अलग करना चाहता है अपनी लाइफ में, हमेशा इस तरीके के चांस वो ढूंढता रहता है कि कुछ करके कुछ अपनी लाइफ में वो अच्छा कर सके। बट मुझे नहीं लगता कि ये जो व्हाइट हॉर्स उसने उसके पास जो है वो मतलब चुराया होगा, और खरीदने की तो हमारी हैसियत ही नहीं है। हम मैंने पहले ही बोला कि वो खा ले दो टाइम का वो ही बहुत है, तो भी व्हाइट हॉर्स खरीद के लाने की बात तो सोच भी नहीं सकते वो लोग। तो फिर दूसरी सेकंड यही उनको उसको सोचता है, वो उसको एक थॉट आता है आयरम को कि यार इसने चोरी वोरी तो नहीं करी होगी ना। बट नहीं, इतने तो हमारे संस्कार इतने तो खराब नहीं है कि ये चोरी करेगा। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लिएस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ horses and my first longings had been longings to ride. This was the wonderful part. अब उसका भी एक सपना तो था कि मुझे घोड़े पे सवारी करनी है और बहुत लॉन्ग ड्राइव लॉन्ग उसके ऊपर बैठ के राइड करनी है, लॉन्ग राइड करनी है। बट वो मेरे लिए एक अच्छा एक वंडरफुल पार्ट था। इन द सेकेंड प्लेस वी वेर पुअर। मैंने बोला ना पहले ही कि उसके दिमाग में दो थॉट चले कि भाई मेरे को भी घोड़े पर बैठना है, शौक है उसको भी हॉर्स राइडिंग करनी है, ये एक थॉट। बट दूसरी सेकंड ये थॉट आ गया कि यार हम तो पुअर हैं, ये घोड़े तो हम खरीद नहीं सकती, तो पैसा है नहीं हमारे पास, तो घोड़ा आया कहाँ से। दिस वॉज द पार्ट दैट डोंट परमिट मी टू बिलीव दैट आई सॉ, जो मुझे कह रहा था कि ये हकीकत हो ही नहीं सकती क्योंकि घोड़ा खरीदने की हमारी हैसियत ही नहीं है। We were poor, we had no money. Our whole tribe was poverty stricken. Every branch of the Garagolian, यहाँ पे नीचे देखिए उसका मीनिंग है, an Armenian tribe, वो कहते ना कबीला, one type of कबीला नहीं कहते, तो उस तरीके का ये Armenian tribe जो मैंने बोला ना यहाँ पे भी देखो वो बोल रहा है यहाँ पे Armenian, yes he said in Armenian, मतलब वो language अपनी भाषा में बोल रहा है, it's a horse ऐसा। तो यहाँ पे भी उसकी बात है कि ये जो गैलेनियन जो फैमिली है, उसकी जो फैमिली है वो दो आर्मेनियन ट्राइब से बिलोंग करती है, तो वो जो फैमिली है उसके लिए इतनी मान्यता है कि ये लोग पुअर है बट वो कभी भी चोरी नहीं करेगी, ईमानदार उस तरीके की उनकी प्रचार है उनका, ऐसा सब वहां पे ऐसा मानते हैं। Family was living in the most amazing and comical poverty in the world. Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies. Not even the old man of the family. Most important of all, though we were famous for our honesty. देखा यहाँ पे है कि हम किस तरीके से घर चलाते हैं, क्या करते हैं, ये किसी को नहीं पता रहे। हम हमारी तरीके से दो टाइम का खाना कर लेते हैं, but हम जो फेमस है वो हमारी ऑनेस्टी के लिए फेमस है। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी और समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्थीएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड। वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग। हम पहले ऑनेस्टी के ऊपर बिलीव करते हैं, फिर वो चीज सोचते हैं कि ये सही है या गलत, बट हमारी ईमानदारी पे कोई शक नहीं कर सकता। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड लेट अलोन स्टील। कॉन्सिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स सो मैग्निफिशेंट, इवन दो आई कुड स्मेल इट so lovely, even though I could hear it breathing, so exciting. अब जब वो हॉर्स के पास गया तो पहले तो उसने सोचा कि सपना है या नहीं, जो भी अगर हकीकत भी है तो मैं पहले इसको एक बार छू लेता हूँ, क्या पता कि मुझे ये चांस फिर मिले ना मिले। तो उसको स्मेल करता है, इट्स वेरी, वो उसको पहले स्मेल करता है तो कहता है कि इट्स सो लवली, और फिर उसकी ब्रीथिंग, उसके हार्ट बीट, जो सांस होती है उसको देखते हैं, इट्स एक्साइटिंग ऐसा बोलता है। I could not believe the horse any had anything to do with my cousin Murd or with me or with any of the other members of our family. अब हमारी फैमिली में किसी के पास घोड़ा नहीं है और खरीद दे की हमारी हैसियत भी नहीं है, ना मॉरड के पास है, तो कहाँ से आए। Asleep or awake, because I knew my cousin Murd could not have bought the horse, and if he could not have bought
it he must have stolen it and I refuse to believe he had stolen it. तो अगर किसी के पास है नहीं, खरीद नहीं सकते बॉट, मतलब ठीक है बाय, तो खरीद नहीं सकते, तो क्या उसने चुराया होगा? बट वो चुरा भी नहीं सकता, ये मेरा मन कहता है, मैं उसके ऊपर बिलीव नहीं कर सकता कि मर्डर चुरा सकता है ऐसा. नो मेंबर ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली वो फैमिली कुड बी अ थीफ, और कोई चोर भी नहीं है इतने 11 सेंचुरी से जितने भी हमारी फैमिली में कोई इस चोर नहीं है, क्योंकि वो ऑनेस्टी के लिए तो जाने जाते हैं. आई स्टार्ट फर्स्ट एट माई कजिन एंड देन एट द हॉर्स. देर वॉज अ प्योर स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम विच ऑन द वन हैंड delighted me and on the other frightened me. More I said, where did you steal this horse? But एक तरीक फिर दूसरी सेकंड उसको सोचा, उसने बोला थॉट आया कि यार मॉरर तो ना एकदम हमारी फैमिली से पूरा अलग है, तो शायद उसने चुराया हो. तो दूसरी सेकंड उसने पूछा, बोल ये कहाँ से चुराया तूने मॉरर? Leap out of the window, he said, if you want to ride. It was true then. He had stolen the horse. There was no question about it. He had come to invite me to ride or not as I chose. पहले उसने बोला कि भाई यहाँ से पहले चल, तेरे को राइड करनी हो तो यहाँ से निकल. फिर दूसरी बात, तो पहले तो उसने उसका जो एडम ने मॉरर को जो क्वेश्चन पूछा कि तूने कहाँ से चुराया, उसका तो पहले उसने आंसर दिया ही नहीं. तो बोला तू यहाँ से निकल पहले, अपने पहले राइड करते, अगर करनी है तो तेरे को डिसाइड करना है आना है कि नहीं आना है. Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else, such as money. For all I knew, maybe it wasn't stealing at all. If you were crazy about horses, the way my cousin Morar and I were, it wasn't stealing. I wouldn't become stealing until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do. अब कहते ना हम दोनों को पागलों की तरह शौक था घोड़ा घोड़े का, हॉर्स राइडिंग का. हम सोचते भी थे कि हमारे हमारे पास ये पॉसिबल तो है नहीं, बट स्टीलिंग मतलब चोरी करना नहीं लगता मुझे, क्योंकि हमारी फैमिली में किसी ने किया नहीं है और कुछ है नहीं. तो मैंने सोचा कि अभी एक बार उसके साथ चला जाता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि क्या है. लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स, आई सेड. ऑलराइट, ही सेड, बट हरी. I leap into my clothes. I jump down to the yard from the window and leap up onto the horse behind my cousin Morar. फिर उसने बोला कि ठीक है मैं अब दरवाजे से जाएगा तो कोई ना कोई उठ ही जाएगा, पता चल जाएगा. तो वो क्या करता है, कपड़े से वो नीचे उतरता है और Morar के पीछे बैठ के चला जाता है. That year we live at the edge of town on Walnut Avenue. Behind our horse was the country, vineyards, orchards, irrigation ditches and country roads. In less than 3 minutes, we were on Olive Avenue and then the horse began to trot. अब सोचो ये जो है ना पूरे places है, तो 3 मिनट में उसने ये पूरा रास्ता घोड़े पे बैठ के, वो घोड़े पे बैठे थे, फटाफट उसने घोड़ा भगाया और 3 मिनट में ये सारे प्लेस वो कवर करके वो जो है निकल गए और कहाँ पहुंचे, लास्ट में वो ऑलिव एवेन्यू. और फिर ट्रॉट ट्रॉट हण हणान, मतलब कहते ना घोड़े की जो आवाज होती है ना, घोड़े ने फिर ऐसा किया. द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ. द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल. माई कजिन मॉरर, हु वॉज कंसिडर्ड One of the craziest members of our family began to sing. I mean, he began to roar. और जो हमारे मेरे जो फैमिली में फैमिली है उसमें मॉरर जो है वो एकदम क्रेजी पर्सन है. ओके, तो यहाँ पे वो लोग ऑलरेडी घोड़े पे बैठ गए, पूरा जो रास्ता था उन्होंने काटा, रोड थे वॉलनट एवेन्यू जो भी था उनके प्लेसेस, वो वहां पे वो रास्ता काट के फिर वो ऑलिव एवेन्यू की तरफ जाते हैं, वहां पे पहुंचते, क्योंकि वो वहां जाना चाहते हैं जहां पे उनको कोई देखे नहीं, ना घोड़े को देखे, क्योंकि जो भी देखेगा वो यही सोचेगा कि ये पुअर फैमिली से, तो घोड़ा इनके पास कहां से आया. तो वो इसीलिए ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां पे उनको कोई देखे नहीं, कोई घोड़े को ना देखे, कोई उनको ना देखे. ओके,